आज मैं आपको बटर नान बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये मक्खन है जो हमें लगाने के लिए चाहिए, देख सकते हैं। और ये कलौंजी है, थोड़ा सा। ये एक चम्मच नमक। ये मैंने एक कटोरी भर के लिया दही। ये मैंने एक चम्मच चीनी लिया, और ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और ये एक चम्मच बेकिंग पाउडर, और ये थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए। तो ये हो चुका है। और मैंने आधा किलो मैदा लिया, इसे मैंने छन्नी से छान लिया। अब इसे छान ले ज़रूर। और इसमें हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। दही डाल देंगे इसमें, बीच में थोड़ा सा होल करेंगे, और ये दही चीनी, उसके बाद हम ये ऐड कर देंगे नमक, ये हमारा सोडा, और ये हमारा बेकिंग पाउडर। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब दही में सोडा का और बेकिंग सोडा का और बेकिंग पाउडर का रिएक्शन होगा, हमारा रोटी जो है बहुत ही अच्छा फूला बनेगा। तो पहले आप इसमें पानी ऐड ना करें, दही को अच्छे तरीके से आटे में बिल्कुल सॉफ्ट ही गूंदेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब हो चुका है मिक्स। अब हम इसके अंदर गुनगुना पानी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक गिलास गुनगुना पानी ले लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल सॉफ्ट बना लेंगे, जैसे हमारा रोटी आटा गूंदते रोटी के लिए उससे थोड़ा सॉफ्ट गूंद लेंगे। हमारा आटा जितना सॉफ्ट रहेगा हमारा नान रोटी उतना बढ़िया फूला फूला बनेगा। सॉरी गाइस, मैं इसमें तेल डालना भूल गई, पर आप ना भूलें इसमें थोड़ा सा तेल ज़रूर ऐड करें। यहाँ देख सकते हैं मैं इसे भूल गई थी, तो मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ और इसे कर लेंगे मिक्स। आप उस वक्त डालें जिस समय हमने दही ऐड किया है, आप उसी समय डाल के अच्छे से सूखे आटे में मिक्स कर लें। ये मैं भूल गई थी इसलिए मैंने इसे अभी डाल लिया। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा बिल्कुल गीला गीला लग रहा है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड करेंगे और इसे समेट लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से समेट लेंगे इसे। इस स्टेज पे आने के बाद अब इसे इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट गूंदा है। आप इसी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट गूंद लें, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा लाल लगा देंगे ऑयल। ये देख सकते हैं मैंने 1 टेबल स्पून कितना ऑयल ले लिया, ताकि ये हमारा आटा सूखे नहीं, ऊपर से पपड़ी जम जाती है वो ना जमे। ऑयल लगा के इस तरीके से इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे ढक कर छोड़ देंगे फूलने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 1 घंटे के बाद हमारा आटा गूंदे हुए और 1 घंटा हो चुका। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया, बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये कितना लचीला है मैं आपको दिखाती हूँ। हमें इसी तरीके का आटा चाहिए, बिल्कुल लचीला, देख सकते हैं इसी तरीके का आटा चाहिए, बिल्कुल लचीला हमारा अच्छा बनेगा नान। इसे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे और फिर इसका हम पेड़ा बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब बेलन की हेल्प से अब इसे बेल लेंगे तरीके से। साइड से ज़्यादा बेलें, बीच से मोटा ही रखें,
लूंगी। और इसे एक बार इस तरीके से फेर लेंगे ताकि ये अंदर अच्छे से चिपक जाए। तो ये इस तरीके से हम बेल लेंगे और उसके बाद ये थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता भी डाल देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल सकते, स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे बना लें और इसे इस तरीके से पलट लें और ये पानी ले और इसे अच्छे से गीला कर लें। देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसे गीला, इसे गीला इसलिए करते हैं ताकि हमारा रोटी तवा पे चिपक जाए। तो चलिए ये देख सकते हैं हमने तवा लिया, ऐसा ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। देख सकते हैं ये गीला वाला पार्ट हम तवे पे ऐड कर देंगे इस तरीके से और इसे लो टू मीडियम पे पकने देंगे। इसमें अच्छे से बबल्स बन जाएंगे तो समझ लीजिए हमारा नीचे का बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितने अच्छी तरीके से बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। तो ये बिल्कुल हमारा रेस्टोरेंट जैसा नान बनेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा नान रोटी जो है अच्छी तरीके से फूल गया। इसको एक मिनट तक आप इसे लो टू मीडियम पे पका लें। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा नान फूल चुका है। अब हम तवा को इस पर इस तरीके से पलट लेंगे, ये देख सकते हैं, और इसे इस तरीके से घुमा घुमा के अच्छी तरीके से सेक लेंगे। अच्छा ब्राउन होने तक हम इसे सेक लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इसे मैंने कितने अच्छे तरीके से पका लिया। इसी तरीके से पका लें आप भी। तो आप ये देख सकते हैं मेरा ये रोटी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अभी लॉकडाउन में ये मिल नहीं पाते इसलिए हम इसे घर में ही बना लें। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसका नीचे का हिस्सा निकाल लेती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ ये पीछे से कैसा कुक हुआ। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देती हूँ। ये दो था पहला स्टाइल, और दूसरा स्टाइल से भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये हमारा बटर नान है, तो इस पर बटर नान लगाना बहुत ज़रूरी है बटर। आप ये देख सकते हैं मैं इस तरीके से बटर लगा दूंगी। अब ये देखिए इसका लुक कितना बढ़िया आया, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो कह नहीं सकता कि इसे हमने तवा पे बनाया। इसे मैंने बेल लिया, मैंने इसमें पानी भी नहीं लगाया और इसमें कुछ भी नहीं लगाया, और इसे हम इसे इस पर डाल देंगे। जिस तरीके से रोटी बनाते हैं उसी तरीके से रोटी बनाएंगे और इसे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे। चलिए देखते हैं, मैं इस पर घी में थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। इस तरफ से भी घी लगा लेंगे। तरीके हैं, आप ये दोनों तरीके से बना सकते हैं, आपके दोनों तरीके बहुत ही अच्छे लगेंगे बनाएंगे तो खाने में। मैं इसे लो टू मीडियम पे पका रही हूँ, ये हमारा नान मोटा है इसलिए मैं इसे लो टू मीडियम पे पकाऊंगी। बटर हम भी डाल सकते हैं, मैंने घी लगाया मुझे घी पसंद है इसलिए। तो आप ये देख सकते हैं ये हमने अच्छी तरीके से सेक लिया दोनों तरफ से। देखें अब ये रेडी है, अब इसे हम डिस आउट कर लेते हैं। बाकी सभी को इसी तरीके से बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में डाल दिया और इसके ऊपर हमें डाल देंगे बटर। ये हमारा नान बटर है तो इसके ऊपर बटर डालना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर इस तरीके से बटर फैला लें अच्छी तरीके से। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वैसे बनाएं। चलिए बाकी के बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरा भी उसी तरीके से तवा वाला स्टाइल में बना लिया पलट के, मुझे ये स्टाइल अच्छा लगा तो मैं इसी तरीके से बना रही थी। अब मैं इसे नीचे का देखती हूँ कैसा पका। ये देखें
हाँ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है, अच्छी तरीके से हमारा सीख चुका है। जो जैसे मैंने सभी को बनाया है उसी तरह इसको भी उसी तरीके से बना लिया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा नान बटर नान रोटी फूल चुका है। तो चलिए उसे हटा लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो मैंने पानी लगाया और इसे इस तरीके से तवे पे डाल दिया। बिल्कुल इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। ये मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा फूल रहा है। इसे लो टू मीडियम पे एक मिनट तक पकने देंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं एक मिनट हमारा हो चुका है, कितनी अच्छी तरीके से फूल गया। और हम इसे इस तरीके से अच्छे से पकाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा तंदूरी रोटी सिक चुका है। इसी तरीके से आप इसे अभी हो चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा बटर नान बिल्कुल रेडी है। मैं इसे आपको इसका सॉफ्टनेस भी दिखा सकती हूँ, इतने सॉफ्ट बने हैं ये देख सकते हैं, बहुत ही गर्म है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, सॉफ्ट है। तो ये हमारा बटर नान बिल्कुल रेडी है। मैं आपको ऐसे तोड़ के भी दिखा रही थी कि अंदर से इसका टेक्चर कैसा बना। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। इसी तरीके से आप बनाएं और खाएं और कमेंट करके बताएं कि आपका नान रोटी कैसा बना है, ये देखें। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।